हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्वेता और वेलकम टू शुगर स्पाइस नाइस हिंदी। और इस ठंडे ठंडे रात में मुझे डोसा खाने का मन हो रहा है, तो मैं आई हुई हूँ डोसा प्लाजा, जो कि रांची का एक काफी फेमस रेस्टोरेंट है। और यहाँ 100 से भी ज्यादा डोसे की वैरायटीज मिलती है। यहाँ पे डोसे के नाम काफी ज्यादा निराले हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स भी। तो चलिए मेन्यू देखते हैं और कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं। तो ये आ गया है मेरा मैक्सिकन रोल डोसा। और आप देख रहे हैं एक प्लेट में 6 रोल्स आते हैं और एक एक रोल कितना बड़ा बड़ा है। और इसके अंदर है इतनी सारी स्टफिंग। स्टफिंग में मुझे बहुत सारी पत्ता गोभी, कैबेज दिख रही है, गाजर, कैप्सिकम और छोटे छोटे पनीर के टुकड़े भी हैं। डोसे के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी चीज बुरकाई गई है और उसके साथ ही है ग्रेटेड कैरेट, बीट रूट और स्प्रिंग अनियन। तो चलिए एक बाइट ट्राई करते हैं। तो बिल्कुल एक चाइनीज डोसे के जैसे टेस्ट हो रहा है। इसके अंदर की जो स्टफिंग है, टिपिकल चाइनीज वेजिटेबल्स वाली फील आ रही है। हल्का सा विनेगर, थोड़ा सा शेजवान सॉस, बट मुझे ये डोसा बहुत ज्यादा टेस्टी लगा। इसमें मैक्सिकन जैसी कोई बात नहीं है, चाइनीज जरूर है। डोसे के साथ सांबार भी आता है, तो चलिए सांबार ट्राई करते हैं। सांबार बहुत टेस्टी है, इसमें वेजिटेबल्स का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। इसमें ड्रमस्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। मुझे याद नहीं आ रहा, बट इसमें ड्रमस्टिक का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। अब आ गई है मेरी मंचूरियन इडली, तो चलिए इसका पहला बाइट ट्राई करते हैं। इसकी ग्रेवी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें वो एकदम परफेक्ट चाइनीज सॉस वाला फ्लेवर है। जरा सा मीठा, जरा सा खट्टा, जरा सा तीखा, ये ना ज्यादा तीखी है, इसमें एक्चुअली कुछ भी ज्यादा नहीं है। लहसुन का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, शायद थोड़ा सा जिसको पसंद नहीं है उनको शायद जरा सा ज्यादा लगे, बट मुझे ये बहुत पसंद आई है। और इडली इतनी ज्यादा नरम है, मुंह में जाते ही वो एकदम मेल्ट हो जाती है, तो मुझे लगता है ये इडली एकदम सांभर के साथ अच्छे तरीके से भी एक बार ट्राई करनी चाहिए। बट अभी के लिए मैं ये मंचूरियन इडली इंजॉय कर रही हूँ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम डिजर्ट नहीं खाएं। तो मैंने जब उनका मेन्यू देखा, इनके पास चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट केक, ऐसे टाइप की बहुत सारी चीज़ें थी, बट मुझे कुछ अच्छा गर्म खाना था तो मैंने देखा शीरा। तो मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए रवा शीरा। और इस ठंडी के मौसम में अगर ये मस्त गरम गरम चीज़ अंदर जाए तो बहुत बढ़िया लगता है। चलिए एक बाइट लेते हैं। गरम है, इसके अंदर किशमिश, ऊपर से काजू और ये छोटे छोटे टूटी फ्रूटी के भी टुकड़े हैं। मुझे रवे का हलवा थोड़ा पतली कंसिस्टेंसी का अच्छा लगता है, पानी और घी थोड़ा ज्यादा। ये हल्का सा ड्राई है पर ये गरम है और इसमें इलायची का इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है और इसलिए मैं इसे खा रही हूँ। मजा आ गया। तो ये था मेरा डोसा प्लाजा एक्सपीरियंस। ये एक ऐसी चेन है जो बहुत सारे इंडिया के सिटीज में है और एक्चुअली इंडिया के बाहर भी इनके ब्रांचेस हैं, तो आप ये कहीं पे भी ट्राई कर सकते हैं। और ये मेरे लिए काफी अलग टाइप का साउथ इंडियन एक्सपीरियंस था। ऐसे टाइप का डोसा या इडली मैंने कभी नहीं खाया है और मुझे तो बहुत मजा आया। आई होप आपको भी ये वीडियो देखकर मजा आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो भी जरूर देखें। और अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।